वही गरियाबंद जिले में दहेज कम और वरमाला में सोने की चैन न मिलने पर नाराज दूल्हा बिना ब्याह के ही बारात लेकर वापस लौट गया। तो वही दुल्हन की मां ने इसी तरह के आरोप लगाते हुए पहले गरियाबंद थाना और फिर गरियाबंद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर अपना आवेदन सौंपा है। आवेदन में दहेज कम होने के चलते दूल्हा और उसके परिवार जनों के द्वारा बारात बिना शादी के वापस ले जाने की बात करते हुए दूल्हे के परिजनों पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामला सिटी कोतवाली थाना गरियाबंद के रावण भाटा डाग बंगला का है, जहां दुल्हन की मां और दुल्हन का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वही पुलिस अधीक्षक ने भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र चंद्राकर ने बताया कि बात करने पर वे कहते हैं कि शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ है और विवेचना जारी है। फिर माला डाले के समय ना लड़का जो दूल्हा है अनिल टांडिया और पिता गंगाधर टांडिया तो बोले से कि 10 रुपया के हार लते पहना था, तुम्हार औकात का है और भिखारी खानदान से हो और करके बोली से ऊपर बाद फिर ना खाना वाना खिलाए के बाद फिर लड़का दहेज वहेज के सामान ना देखी से और यहाँ तो कम दिखाई दिया थे दहेज है और माला पहरा के समय भी सोना की चैन नहीं पहरा थो और 10 रुपये के हार ना पहना था, ऐसे करके कि दहेज के नाम से ही ज़्यादा प्रताड़ित करें। कल मेरी मतलब शादी थी और दहेज का सामान देखे अंदर में कम था, इसीलिए मतलब बारात वापस कर दिए और मेरे को चालो सामने बेइज्जत करके बारात को वापस ले गए, पूरे समाज वालों के सामने जितने लोग आए थे ना सबके सामने, और उनके ऊपर हाथ भी उठाए थे और कहा थे शादी करने का भिखारी हो ये सब बोल के। थाना गए थे हम लोग का रात, क्या बात थी वहाँ उन लोग मतलब आवेदन दिए थे तो बोले कि मतलब अभी आवेदन लिख दे रहे हैं जो होगा मतलब सुबह होगा करके, फिर हम सुबह को SP कार्यालय गए थे। SP साहब क्या बोले? वो कार्रवाई कर रहे हैं, कल लड़के को बुलाया करके बोले हैं। आप क्या चाहती हो? आप कार्रवाई होना चाहिए और सगाई से शादी तक का जितना खर्चा हुआ है ना जितना भी है सब मतलब वापस होना चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी अकेली है, पापा तो है नहीं, इतना सब कुछ हुआ है और कहाँ से देगी। ये थाना गरियाबंद क्षेत्र का मामला है। थाना गरियाबंद में बीती रात एक बारात दली राजहरा से आई हुई थी और विवाह पूर्व ही वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, जिस पर से शादी बीच में ही टूट गई और शादी नहीं हो पाई, जिसे दुखी होकर वधु पक्ष ने जो है थाना कोतवाली में आवेदन दिया है, जिसकी जांच अभी की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर एक बात आ रही है, उन्होंने आरोप लगाया कि दहेज प्रताड़ना के चलते उन्हें छोड़ दिया, कम दहेज मिलने के चलते, इसकी भी अभी जाँच की जा रही है। जाँच के बाद ही सब चीज़ क्लियर हो पाएगा, उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी।